हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर कोई वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं पनीर के पराठे। इसके लिए मेन इंग्रेडिएंट हैं ये पनीर, ये मैंने घर पर बनाया है। ये जो है आधा के जी दूध का है, जिसको मैंने घर पर बना के रखा हुआ है। उस पे चाहिए एक मीडियम साइज का, हमने थोड़ा बारीक काटा हुआ प्याज, मैं तीखा नहीं खाती तो सिर्फ एक मिर्ची, थोड़ा सा धनिया का पाउडर, अदरक लहसुन का जो है पेस्ट, स्वाद के अनुसार नमक, अजवाइन हाफ टी स्पून, काली मिर्च पाउडर हाफ टी स्पून, हल्दी का पाउडर उसमें कलर के लिए हाफ टी स्पून, अमचूर, और ये जो है घी पराठे सेकने के लिए। और इसका मैंने डो जो है आटा गूंद के रखा है, डो मेरा रेडी है, बिल्कुल सॉफ्ट है ये। अब हम लोग स्टफिंग जो है वो रेडी कर लेते हैं। उसके लिए मैंने एक बाउल लिया, उसमें सबसे पहले मैं डाली पनीर को, पनीर के बाद इसमें मैंने प्याज डाल दिया, प्याज के बाद सारी चीज़ें वन बाई वन करके हम लोग इसमें ऐड कर देते हैं। सॉल्ट जो है मैं कम ले रही हूँ, क्योंकि मैंने आटे पे ऑलरेडी डाल के गूंदा हुआ है, तो ये बस हमारे स्टफिंग के लिए ही इतना इनफ है। इसको हमको अच्छे से मिक्स कर लेना है। देखिए हमारा मिक्सर बिल्कुल रेडी है, सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है स्टफिंग के लिए। अब हम लोग इसको जो है डो से थोड़ा सा एक पार्ट जो है अलग कर लेते हैं रोटी के लिए, इसको गोल करके इसको रख देते हैं। ये मैं इसको थोड़ा चौड़ा कर ली। अब इस पे हम लोग अपना स्टफिंग जो है डालते जाते हैं, ये करीब 2 चम्मच जो है मैं इस पे ऐड करूँगी और इसको पूरा ढक दूँगी, फिल कर दूँगी। ये देखिए अच्छे से हमने इसको फिल कर लिया है। इसमें थोड़ा सा आटा लगा के इसको और चौड़ा कर लूँगी। ये 2 स्टफ लोई जो है मैं रेडी कर ली हूँ। अब इसको हम लोग बेल लेते हैं। इसके लिए मैं बेलन का यूज़ कर रही हूँ, चौकी का। इस पे नीचे मैंने पेपर रखा है ताकि जितने भी पाउडर हो आटा हो वो नीचे ही गिरे। इसको बेल लेते हैं हम लोग। ऑलरेडी मैं जो है तवा चढ़ा के रखी हूँ, इसका फ्लेम भी मैंने ऑन कर दिया है, ये गर्म होने वाला है। अब चलिए इसको बेल लेते हैं हम लोग। इस पर थोड़ा थोड़ा ही आटा हमको डाल के जो है बेलते जाना है, पलट लेना है, फिर थोड़ा आटा डाल के बेलना है। ये देखिए पूरा हमारा रेडी है। अब मैं इस पर थोड़ा सा घी जो है तवे पे ही फैला दूंगी। अब मैं रोटी जो है यहाँ पलट देती हूँ, सिकने डाल देती हूँ। इसको करीब 30 सेकंड से 1 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाएंगे हम लोग। इसको मैंने पलट दिया है, ये थोड़ा सिक गया है। अब इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा घी लगा लेंगे। ऐसे ब्रश से लगाएंगे तो ये बहुत कम घी लेगा और प्रॉपर जो है सब जगह ये फैलेगा। सेम प्रोसेस हम लोग दूसरी साइड पे कर लेते हैं। इधर भी पूरे हम लोग घी जो है ऐड कर लेते हैं। आप घी की जगह चाहे तो तेल यूज कर सकते हैं, चाहे तो बटर यूज कर सकते हैं आप। इसको हमको थोड़ा सा प्रेस कर करके चारों तरफ से सभी तरफ से सेक लेना है, क्योंकि हम लोगों ने इस पे जो स्टफिंग यूज किया है उसको बिना पकाए यूज किया है, तो स्टफिंग अच्छे से पक जाए। सेम प्रोसेस उल्टी साइड पे भी करना है। देखिए इस पे बिल्कुल जो है घी कहीं भी नहीं दिख रहा है, बहुत सूखा सूखा सा दिख रहा है। अगर फिर भी कहीं पे थोड़ा बहुत घी होगा तो उसको हम लोग जो सेकंड पराठा बनाया है उसको ऐसे ऊपर से ऐड कर देंगे ताकि वो एक्स्ट्रा घी जो है ऑब्जर्व कर ले, और इसको पलट देंगे। सेम चीज इसके साथ इसके दूसरे साइड को भी पलट के जो एक्स्ट्रा घी है वो ये ऑब्जर्व कर लेगा, तो हमारे पराठे में बिल्कुल भी एक्स्ट्रा घी नहीं रहेगा। ये एक पराठा रेडी है। देखिए एक्स्ट्रा घी जो था वो इस पराठे पे दिख रहा है। सेम प्रोसेस से हम लोग ये पराठा भी सेक लेंगे। देखिए ये पराठे मेरे जो है रेडी हैं। इसको मैं अभी
टमाटर सॉस के साथ सर्व कर रही हूँ। चाहे तो आप इसको टमाटर की चटनी अचार पे या अदर चटनी पे इसको सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताइए, शेयर कीजिए, मेरे वीडियो लाइक कीजिए। थैंक यू।